अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर येथे सामाजिक कार्यकर्ते संजय चौधरी यांच्याकडून इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते। याप्रसंगी एपीआय गणेश फड, तंटामुक्ती अध्यक्ष रवींद्र भंसाली, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते ईश्वर शेठ मंडलेचा, एकनाथ लोखंडे, पूना शेजुळे व सर्व हिंदू मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। शांती बरकरार रहे, लोगों में अमन शांति रहे, लोगों के जान माल की सुरक्षा होती रहे, इसलिए पुलिस लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनका कोई त्योहार नहीं, इनका कोई संतान नहीं, इनका कोई परिवार में खुशी का मौका नहीं। ये जब देखो ड्यूटी पे तैयार, जनता की सेवा, देश की सेवा के लिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक शेर अर्ज कर देता हूँ, पुलिस वाले कब मरते हैं, ये तो जिंदा ही दफनाए जाते हैं। हर तरह का अरमान दिल में रह जाता सेवा करते करते देश की और जनता की। पुलिस वाले कब मरते हैं, ये तो जिंदा ही दफनाए जाते हैं। कब्र खोलकर कभी भी देख लो, सावधान पाए जाते हैं। देश की सेवा के लिए हमेशा रेडी है लोग। अल्लाह ताला ने ऐसा हमारा मिलन का आज दिन रखा है। संजू भोग के दरवाजे पर आप सब हम बैठे हैं, ऐसे लग रहा है जो चार दिन बाद आने वाली ईद है वो आज ही आ गई है। लग रहा नहीं लग रहा, इनको खुशी हो रही नहीं हो रही? अल्लाह ताला ऐसी हमारे फतेहपुर को नफरत से दूर कर दे। फतेहपुर नफरत से दूर, कोई नफरत नहीं, सबको एक दूसरे के काम आना है, इस देश की ताकत को बढ़ाना है। देश की ताकत बढ़ानी है, हम सबको एक जगह आना पड़ेगा। और इसीलिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह से दुआ है, मुख्तसर में खत्म करना है ताकि अगली शबे बारात कदर क्या है। हजार महीने से अफजल रात है, यानी जितना नेकी का काम आदमी 1000 महीने में कर सकता है उतना नेकी का सवाब अल्लाह एक रात में देते हैं। पूरी पूरे कुरान करीम में एक सूरह नाजिल हुई है और ये जो शबे कदर की रात है सर, ये इस 10 दिन के अंदर आखिरी 7 रातों में पाई जाती है, 21, 23, 25, 27, 29। तो आज 27वीं रात है, हम उसी के इंतजार में और उसी की तलाश में जागेंगे। ये शबे कदर में हुआ था क्या, सबको पता है। अल्लाह ताला शानू ने कुरान करीम पूरा के पूरा शबे कदर में नाजिल फरमाया। अब हिस्ट्री ये है, तारीख ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में ये पूरा कुरान उतरा है, जिब्रील अलैहि सलाम लेकर आए। तो फिर ये एक रात में कैसे उतरा? तो उसका जवाब ये है और उस रात की हकीकत यह है कि शबे कद्र वाली रात में लोहे महफूज में जहां आसमान पर पूरा के पूरा कायनात का प्रोग्राम लिखा है, बड़ी किताब है, उसमें से ये कुरान करीम इस एक रात में ये पहले आसमान पर उतार दिया गया था। ये ज़हन में रखना, पूरा कुरान करीम इस एक रात में ये पहले आसमान पर, इसे कहा जाता है आसमान दुनिया, यानी जो दुनिया से दिखता है वो आसमान, इसके पीछे और 6 आसमान और उसके ऊपर अल्लाह की कुर्सी है और वहां है लोहे महफूज, उसमें से ये निकला कुरान, अल्लाह ने निकाला और पहले आसमान पर शबे कदर में नाजिल फरमाया। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और जैसी जरूरत पड़ी अल्लाह ताला ने 23 साल में पूरा कुरान उन पर नाजिल फरमाया। तो शबे कदर की रात दर्शन घड़वावी जपावी आणि त्या माणुसकीच्या दृष्टिकोनातनं आमान आहे। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। भेजे में जो गुस्सा है वो शैतान बुरा है। जो हमारे भेजे में शैतान गुस्सा है उस शैतान को निकालने के लिए ऐसे प्रोग्रामों की बहुत जरूरत है। ऐसे प्रोग्राम इसके लिए संजीव ने आपने अरेंज किया है। मैं दावत दे रहा हूँ हमारे ये पे साहब, फड़ साहब को, ये क्योंकि रोजा रखना तो कोई सारी बात नहीं है, हम भी हमारे समाज में उपवास करते हैं, मगर है तो वो भी दिन भर काम करते हैं,
लेकिन इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें हाजिर नहीं रहते, काम करते हैं और रोजा रखते हैं, अपन लोगों का बना रखा वाले भी होते हैं और उसके ऊपर भी काम नाम करते ऐसा पहली बार के रोजे भी होते हैं, बहुत से रोजे करने वाले अभी जो भी काम नाम करती है, इसीलिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फतेहपुर का जो माहौल है, क्या ऐसा माहौल सभी लोग को होना जिस तरह से में दिवाली चल रहता है उस तरह से मुस्लिम धर्म में रमजान त्योहार का बड़ा ही महत्व है। पूरा एक महीना चलने वाला ये त्योहार, इसमें जो रोजे रखे जाते हैं वो बहुत ही मतलब अपने रिलीजन धार्मिक दृष्टिया और साइंटिफिकली भी वैज्ञानिक कारण से भी रोजा रखना बहुत ही अच्छा रहता है। मैं भी बहुत बार सोचता हूँ कभी कभी दिन भर भूखा रहो रहे तो मतलब जान बुझ कर नहीं रह सकता, लेकिन काम में बहुत बार भूखा रह सकता भूखा रहा हूँ। दिन भर खाने का टाइम ही नहीं मिलता है, फिर उसे होता क्या है रात नाइट में फिर ज़्यादा खाना हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उपवास रखते हैं तो उपवास ही होना जरूरी, दिन भर खाना नहीं और रात में ज़्यादा खाना तो उससे हेल्थ बिगड़ जाती है, ये नहीं होना चाहिए। उसको बड़े बुजुर्ग तक आप जो रोजे रखते हैं इसका आपके बॉडी पे हेल्थ पे बहुत अच्छा असर होता है। आपने फतेहपुर गांव में हिंदू भाई मुस्लिम भाई और सब जनजाति सब लोग मिलते जुलते रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, कोई आपसे झगड़ा नहीं मतभेद नहीं। मुझे दो महीने में एक बात समझ में आई है जिससे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले शकील भाई ने जो इस तरह से संबोधित किया, जो भाषण किया, उससे मेरे को प्रभावित हो गया। हमारा हिंदी का लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी मैं मराठी भी बोलूंगा तो भी इतना अच्छा बोल नहीं सकता, पर वो एक महीना और 15-20 दिन हमारे साथ थे, काम करते थे, वो टाइम मेरे भी उनका बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस लिया, ईमानदारी से काम करते मतलब काम में अपने कर्म में कभी वो छुटते नहीं है, यही अपने हर एक धर्म की क्या बोलते हैं उसको शिकवन रही थी। आप सभी को आज और ये पूरे रमजान माह की, ये जो रमजान पवित्र माह है इसके लिए आगे रमजान ईद के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ पर जो न्योता दिया था उसमें सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।